जय किसान दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। दोस्तों, खेती में जब समस्याएं आती हैं तो हमारे किसान भाई कुछ ना कुछ नया तरीका अपना ही लेते हैं, यानी कि नई तकनीक उसमें इजाद कर ही लेते हैं। खेती में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे वहाँ खाद डालने की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है और इस समय को बचाने के लिए और प्रॉपर तरीके से खेती में खाद पड़े इसको ध्यान में रखते हुए एक किसान ने जो है जुगाड़ से ही एक खाद डालने की मशीन बना डाली है। और ये मशीन इतनी आसान है और इतनी सस्ती है, यानी कि बहुत ही कम लागत में तैयार हो जाती है और खाद डालना बहुत ही आसान है इसमें। तो दोस्तों, आइए हम इसी खाद डालने की मशीन के बारे में बात करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं और दोस्तों लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, किसान ने जुगाड़ से बनाई खाद डालने की मशीन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये किसान जो है मध्य प्रदेश उबैदुल्लागंज जनपद पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत तामोट के लंका टोला में रहने वाले किसान हैं और इनका नाम है विनोद कुशवाहा जी। विनोद कुशवाहा जी सब्जी की खेती करते हैं और सब्जी की खेती में खाद डालना होता है और खाद डालने में इनको बहुत ज्यादा समय लगता था। और साथ ही साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि खाद डालते समय आदमी को झुककर खाद डालने की जरूरत होती है तो कमर में दर्द भी होना शुरू हो गया था। इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए कुशवाहा जी ने जुगाड़ से जो है एक मशीन बना डाली और ये मशीन भी बहुत ही आसान है, बनाना भी आसान है और इसका प्रयोग करना भी आसान है। और इस मशीन को बनाने में ना कोई खास खर्चा आता है और ना बनाने के लिए कि बहुत ज्यादा तकनीक की जरूरत होती है। तो ये उनकी सोच थी और उन्होंने इसी सोच के जरिए एक जो है खाद डालने की मशीन को बनाया। तो दोस्तों, इन्होंने बताया कि खाद डालने की इस मशीन को बनाने के लिए एक जो है 15 लीटर के तेल के कुप्पे की जरूरत होती है और वॉशिंग मशीन के पाइप की जरूरत होती है और एक जो है उसमें पंखी की जरूरत होती है और इसी से जो है आसानी से ये मशीन तैयार की जा सकती है। तैयार करने के लिए इन्होंने क्या किया है कि ये जो कुप्पा है 15 लीटर तेल का, उसमें जो है वॉशिंग मशीन की पाइप को लगा दिया और यम सील से इसको सील कर दिया और उसके जो दूसरे हिस्से में जो है पाइप के उसमें एक पंखी लगा दी जो राउंड करके चलती है। और ये क्या करते हैं, ऊपर जो उसमें जो कुप्पा है उसमें खाद डाल देते हैं और वो पाइप के जरिए जब पंखी जमीन में चलती है तो धीरे धीरे करके वो फसल में खाद डालना शुरू कर देती है। और इससे क्या होता है, इन्हें एक तो झुककर खाद डालने की जरूरत नहीं होती है और आसानी से जो है खेतों में और प्रॉपर तरीके से, यानी कि हर जगह जो है खेत में खाद पहुंच जाए, इससे आसानी से हो जाती है और कमर दर्द जैसी समस्याएं भी इनसे निजात मिलती है। दूसरे दोस्तों, कम समय में ये आसानी से खाद खेतों में डाल देते हैं। दोस्तों, खेती में यानी कि सब्जी की खेती में खाद डालने की जो इनकी समस्या थी, इन्होंने इस तरीके से इसको तैयार किया। तो दोस्तों, ये मशीन इनका चलाने का तरीका हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, ये तो रही किसान ने जुगाड़ से बनाई गई खाद डालने की मशीन के बारे में। तो दोस्तों, किसान द्वारा बनाई गई उस खाद मशीन को अगर आपको भी ऐसी समस्या है तो आप इसे बनाकर अपनी खेती में प्रयोग कर सकते हैं। आपने देखा, इसका बनाना भी बहुत मुश्किल काम नहीं है और इसमें पैसा भी खास नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। साथ ही साथ दोस्तों, लाइक व शेयर भी करें। जय किसान दोस्तों।